विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें 145 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च हुई है या हो रही है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आजमगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला एक प्रमुख जनपद है और होना भी चाहिए। जो पोटेंशियल यहां पर थी, जो प्रतिभा यहां पर थी, वह प्रतिभा राजनीति की संकीर्णताओं के कारण देश के राष्ट्रीय क्षितिज पर उन विभाजनकारी ताकतों का शिकार हो गई, जिसने आजमगढ़ जैसे जनपद के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी, परिवहन विभाग के प्रत्याशी और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता श्री दिनेश लाल यादव जी को यहां से विजयी बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। इससे आजमगढ़ की पहचान बदली है और आजमगढ़ के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बदली है और इससे उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है। अब इसीलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देने के लिए आज आजमगढ़ में आया हूं। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आए हैं तो जो आपने एक ऋण हम पर वोट के रूप में लगा दिया है, इस ऋण से पूर्ण होने के लिए विकास की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी और कुछ का उद्घाटन भी करने का तो यहाँ कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन कुछ नए और भी प्रोजेक्ट आजमगढ़ के लिए बनेंगे। इस दृष्टि से आज विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके लोकप्रिय सांसद भी हैं, हमारे विधान परिषद के 3-3 माननीय सदस्य भी हैं, प्रभारी मंत्रीगण है, 3-3 प्रभारी मंत्री इस मंडल के लिए इस महीने के लिए यहाँ पर विकास की योजनाओं को गति देने के लिए आए हैं। और साथ साथ इसी मंडल के ही मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ कैंप किया था, वे भी इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। माध्यम से ये तकनीक उपलब्ध कराना, इनके मार्केटिंग की व्यवस्था कराना, इन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना और ये सभी कार्यक्रमों के साथ अगर हम इसे जोड़ के दिखाई देंगे तो भाइयों बहनों विकास दूर नहीं होगा और साथ साथ हर नौजवान स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगा। और नौजवान अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो गया तो समाज और राष्ट्र से स्वावलंबी हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा नौजवान और इस नौजवान को हर प्रकार से तकनीक से युक्त करने के लिए सरकार ने तय किया है कि 2 करोड़ स्नातक और उपस्नातक नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे। अब तक हम लोग लगभग 15 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। हमारा प्रयास है इसे उच्च स्तर पर आगे बढ़ाने का। कोरोना के कारण चिप्स होती है जो हर टैबलेट स्मार्टफोन पे लगती वो नहीं उपलब्ध हो पा रही है, प्रोडक्शन थोड़ा धीमा धीमा है, अन्यथा तक हम बड़े पैमाने पर नौजवानों को इस सुविधा से युक्त कर सकते करने की हमारी इच्छा थी। और भाइयों बहनों हमारा संकल्प है इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए आज यहाँ पर होलियोपी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़े, इसके लिए मैं एमएसएमई विभाग से भी कहूंगा और जिला प्रशासन भी इस प्रकार का एक प्रस्ताव इसको भेजे जिससे ब्लैक पोर्ट्री के माध्यम से ढेर सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं के साथ आगे हम बढ़ा सके। यहाँ के नौजवानों को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने वाले नौजवानों के उनकी अपने रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। आज
आजमगढ़ को उस प्रकार के सेंटर के रूप में विकसित होना चाहिए। इसकी जो छवि खराब की गई थी, छवि से उभरने की आवश्यकता है और इसलिए आवश्यक होगा। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है भी से, और मैं पहुंचाऊंगा जिला प्रशासन इस तरह का एक प्रस्ताव दे कि मेडिकल कॉलेज के ही कैंपस में एक पैरा मेडिकल कॉलेज वहां स्थापित हो। पैरा मेडिकल के माध्यम से एक सारे नौजवानों को प्लेसमेंट की 100% गारंटी देने वाली एक सुविधा। 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किया, सर्टिफिकेट का कोर्स है और उस कोर्स के माध्यम से उसे तत्काल नौकरी की संभावना। और जब कोर्स प्रारंभ हो हमें प्रयास करना चाहिए कि वहीं पर हम लोग प्लेसमेंट कंपनियों को भी बुला करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की कार्रवाई साथ साथ ही करें। आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव महोबा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर, उसके सामने अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उसे कारण था क्योंकि अगर वह बोलता था कि मैं आजमगढ़ से आया हूं तो भैया बहनों आजमगढ़ के नाम पर उसे होटल में रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में कोई ठहरने के लिए अनुमति नहीं देता था और कोई अपने मोहल्ले में किराए पर भी नहीं रहने देता था। क्या बीती होगी कि नौजवान इस दौरान आजमगढ़ से बाहर रोजी रोजगार के लिए निकला होगा। लेकिन आपने इस धारणा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार 2017 में बनी तो सरकार बनने के बाद जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के लिए तय किए थे, आजमगढ़ के अंदर भले ही हमारा विधायक न बना हो, भले ही हमारे सांसद न जीते हो, हमने लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की भी और लालगंज की भी सीट हम लोग हारे थे। लेकिन हमने आजमगढ़ के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में आकर के 2 जुलाई 2018 में उसका शिलान्यास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने आजमगढ़ के विकास को एक नई गति दे दी है। अब यहां से लखनऊ जाना हो भाई बहनों मात्र 2 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली जाना हो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ करके मात्र 7 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। क्या कोई कल्पना करता था कि ये होगा? 136 कंपनियों में इतने फार्मेसी की भी थी, पैरामेडिकल की भी थी, नर्सिंग की भी थी और अलग अलग उसमें थी, मारुति सुजुकी ने भी वहां पे, रिलायंस जियो ने भी वहां पर अपना कैंप लगाया था। और एक दिन में गोरखपुर के अंदर अकेले गोरखपुर महानगर में कल 5,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र वहां पर देने का काम हुआ। हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के दौरान 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज सरकारी नौकरी की जब बात होती है तो भाइयों बहनों कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आज हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नौजवान को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना इस सरकार का कार्य है, सरकार ने किया। जो भी नौजवान आया उसको हम लोगों ने सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने का काम किया। उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ जुड़ा, उसने नौकरी प्राप्त की, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। 1,61,00,000 प्रदेश के नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ा। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने आज प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। व्यापक पैमाने पर 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी मिली। व्यापक पैमाने पर रेलवादार आज स्वावलंबन के गौरव प्रसन्न है और 60,00,000 से अधिक उद्यमी और कारीगर और हस्तशिल्पियों ने स्वरोजगार के साथ
साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमने उन्हें बैंकों से लोन दिलाया, सस्ते दर पर लोन दिलाया, आवश्यकता पड़ी तो सरकार से सब्सिडी भी दी उन्हें। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना दिलाई कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं अगर वह उद्योग के साथ जुड़ते हैं आवश्यक नहीं कि हर प्रकार की आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी, जो कमजोर प्रकार के लोग हैं फीस नहीं है, हम उसको उद्योग के साथ उस नौजवान को सब जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत उस नौजवान को एक निश्चित मानदेय सरकार भी उपलब्ध कराएगी, उद्योग भी उपलब्ध कराएगा, वह पढ़ाई भी करेगा, उद्योग में काम भी करेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी आगे बढ़ाता जाएगा और उसके सामने आजीविका का संकट भी नहीं खड़ा होगा। कोटि कोटि नमन करते हुए आसाम और वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि आप सबने पहले के बहुत सारे लोग आजमगढ़ में आए लेकिन विश्वविद्यालय ही गवर्नमेंट की सरकार ने आजमगढ़ को दिया और भाइयों बहनों आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी आज युद्ध स्तर पर चल रहा है। आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती नहीं है और जब हम देश के बौद्ध साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन अध्ययन की बात करते हैं तो यहां के ही बहुत जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे राखी राघव की जो रचनाएं हैं वह हम सबको एक नई दिशा देती है और हम लोग उनके नाम पर विश्वविद्यालय में एक नई शोध पीठ को भी बढ़ावा देने का कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इसकी सबसे पहले यहां घोषणा करने जा रहा हूं उनके नाम पर बनेगा। यहां के नौजवानों को इस क्षेत्र में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा। बौद्ध साहित्य के बारे में तिब्बती साहित्य के बारे में उनका जो अध्ययन है उसको जानने का अवसर प्राप्त होगा और आजमगढ़ अपनी एक नई छवि के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।